आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। तो चलिए बिना देरी किए जानना चालू करते हैं गोपालगंज की खास खबर को। विशंबरपुर थाना क्षेत्र के हितपट्टी गांव के पास पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं बरामद हथियार को पुलिस जब्त कर लिया है। आपको बताते चले कि SDPO परंजल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कोई बड़ा कांड करने जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल एक टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा हितपट्टी गांव के पास से एक अभियुक्त विशंबरपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी चौराहा गांव निवासी मुलाजिम मियां का बेटा जमालुद्दीन मियां को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। SDPO ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उससे अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र में हम लोगों को गुप्त रूप से एक जानकारी प्राप्त हो रही थी कि एक व्यक्ति देसी कट्टा और कारतूस के साथ कुछ कांड करने के फिराक में है। हम लोगों ने तुरंत ही टीम गठित करके उस पर कार्रवाई किया और उस व्यक्ति को भी अरेस्ट किया। वो व्यक्ति जमालुद्दीन नाम है उसका, पकड़ी कुछ हाईकोर्ट का रहने वाला है। हम लोगों ने एक कट्टा तथा 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। उसके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग अब पता कर रहे हैं और साथ में ये भी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं कि वो किस कांड को करना चाह रहा था। गोपालगंज जिले के पहले प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन हुआ। DM डॉक्टर नलकिशोर चौधरी, DDC, SDM सदर BDO संजीव कुमार ने शुक्रवार को उद्घाटन किया। कूड़ा से निकलने वाले प्लास्टिक को अब रिसाइकिल कर उसे बेचा जाएगा, जिससे प्राप्त राशि पंचायत के विकास में खर्च की जाएगी। सदर प्रखंड के कोनवा में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई शुरू हो गया है, जिसमें कूड़े से निकलने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के माध्यम से रिसाइकिल कर उसे बेचा जाएगा। गोपालगंज DM डॉक्टर नलकिशोर चौधरी ने बताया कि जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय के समीप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई खोलना है, जिसके तहत सदर प्रखंड के कोनवा में उद्घाटन किया गया। इसमें 3 तरह के मशीन लगे हुए हैं। पहले मशीन से प्लास्टिक से धूल मिट्टी हटाया जाएगा, दूसरे मशीन से इसे काट कर छोटा किया जाएगा, वहीं तीसरे मशीन से इसे कंप्रेस कर कम थिकनेस में बनाया जाएगा, जिसे अन्य उद्योग में बेचा जाएगा। DM ने बताया कि बहुत जल्द सभी प्रखंड मुख्यालयों के समीप इसका निर्माण किया जाएगा। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच मोड़ के पास पुलिस एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से पुलिस ने लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद किया है। फिलहाल गिरफ्तार बदमाश से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के लच्छी खरिया गाँव निवासी धर्मनाथ राम के बेटा 19 वर्ष से शुक्ल कुमार के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि SDPO परंजल ने बताया कि 13 जून को नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक से 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर एक व्यक्ति से हीरो ग्लैम्बर मोटरसाइकिल लूट लिया गया था। इस संदर्भ में नगर थाना में एक कांड दर्ज किया गया था। कांड के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा सफल उद्भेदन करते हुए गोपालपुर थाना क्षेत्र बघौच मोड़ से लूटी गई हीरो ग्लैम्बर मोटरसाइकिल बरामद किया गया है तथा इस पर लदे अवैध शराब के साथ शुक्ल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति के आपराधिक इतिहास एवं अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। 13 तारीख को नगर थाना क्षेत्र में एक लूट का कांड दर्ज हुआ था, जिसमें दो व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति से हथियार के दम पर कुछ पैसा लूट लिया था और साथ में मोटरसाइकिल भी लूट लिया था। तो इसी में हम लोगों ने SIT गठन किया था। SIT ने इस केस का सफल उद्भेदन किया और जिस मोटरसाइकिल से लूट की गई थी वो मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने बरामद किया है तथा उस व्यक्ति जो लूट में शामिल व्यक्ति था एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। उसका नाम है शुक्ल कुमार है और वो रहने वाला है लक्की खरैया गोपालपुर थाना क्षेत्र का। ये कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र की टीम से ही हुई है।
और ये कार्रवाई हम लोगों ने कुचाईकोट और गोपालपुर थाना क्षेत्र दोनों में किया है। इसमें और लोग शामिल हैं? हाँ, और लोग शामिल हैं, लगातार छापेमारी चल रही है, जल्द ही बाकी लोग भी अरेस्ट किए जाएंगे। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के संचालित बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गठित जिला स्तरीय पुलिस टीम ने माझागढ़ थाना क्षेत्र के माझागढ़ नई बाजार स्थित विभिन्न बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच किया गया। बताया जाता है कि क्षेत्र में बढ़ते अपराध की घटनाओं पर लगाम कसने तथा बैंकों की सुरक्षा को लेकर SP स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में जिला स्तरीय पुलिस टीम का गठन किया गया है। शुक्रवार को सदर इंस्पेक्टर हीलालाल प्रसाद के नेतृत्व में माझागढ़ बाजार स्थित विभिन्न बैंकों की जाँच किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक में बैठे लोगों से पूछताछ किया तथा बैंक के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जांच के दौरान सदर इंस्पेक्टर ने सुरक्षा कर्मियों को हमेशा मुस्तैद रहने तथा संदिग्ध लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बैंक में आने वाले सभी लोगों पर नजर रखें, वहीं बैंक परिसर में मोबाइल से बात करते लोगों को फटकार लगाई गई। मौके पर माझागढ़ थाने के SI श्यामन रामायण प्रसाद मौजूद रहे। उत्पाद विभाग का नकली बोर्ड लगाकर नाव से शराब तस्करी करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जादूपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर SDPO के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए गंडक नदी के किनारे उत्पाद विभाग की नकली व्यक्ति बनकर नाव के ऊपर उत्पाद विभाग का नकली बोर्ड लगाकर अवैध शराब का खेप UP से लाकर गोपालगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बेचने वाले शराब तस्कर अनिरुद्ध महतो पिता जय महतो को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी जादूपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस आरोपी के पास से एक नाव, एक मोटरसाइकिल और 205 लीटर रॉयल स्टेक विदेशी शराब भी पकड़ा है। ये आरोपी उत्तर प्रदेश से नदी के रास्ते शराब लाकर अपने जिले में सप्लाई करता था और इसकी जानकारी जैसे SDPO सदर प्रांजल कुमार को हुई, उन्होंने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा शराब और अन्य सामान को भी पकड़ा है। फिलहाल पूछताछ करने के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है तथा इसके सामान और शराब को जब्त कर लिया गया है और अब इस पर विधि सम्मत कड़ी कानूनी कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई है। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन i+ एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन i+ DAV हाई स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का ह्यूज हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBC पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन ओपन फॉर 2023-24 सेशन। JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात द्वारा समाहरणालय कार्यालय कक्ष में बहुविषयक समन्वय समिति सह जिला स्तरीय समिति एवं एंटी नारकोटिक फोर्स की बैठक की गई। बैठक में ड्रग्स की प्रवृत्ति से संबंध में सूचना एवं जानकारी का आदान प्रदान, जिले में अवैध अफीम गांजा की खेती की पृष्ठा, महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय कांडों में अनुसंधान की प्रगति का अनुसरण, NDPS एक्ट के प्रावधानों एवं हानिकारक प्रभावों से संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं इसके दुष्प्रभाव के संबंध में जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने, ड्रग्स की पहचान हेतु उपकरणों की आवश्यकता का आकलन
एवं इसके लिए अधियाचना भेजने तथा जिला में स्थित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का पर्यवेक्षण आदि पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु बैनर और पोस्टर के साथ साथ विद्यालयों के बच्चों के माध्यम से रैली निकालकर नशा मुक्ति के लिए प्रयास किया जाए। साथ ही नशीले पदार्थ बेचने वाले, उनकी स्थलों, नशेड़ियों को इकट्ठा होने वाले संवेदनशील जगहों पर आदि कड़ी निगरानी करते हुए छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री आदि पर ड्रग इंस्पेक्टर गोपालगंज को कड़ी नजर रखते हुए छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि नगर के संवेदनशील स्थलों जहां जहां नशाखोरी करने वाली इकट्ठा होती हैं, उन स्थलों पर विशेष निगरानी रखने हेतु उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। संबंधित बैठक में अपर समाहर्ता सुनील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिला चिकित्सा पदाधिकारी गोपालगंज वीरेंद्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सविशेष कार्य पदाधिकारी आनंद कुमार, जिला परियोजना पदाधिकारी सविशेष कार्य पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, वरीय उप समाहर्ता सह सामान्य शाखा प्रभारी राधाकांत, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज संदीप कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी भूपेंद्र मणि त्रिपाठी एवं ड्रग इंस्पेक्टर गोपालगंज आदि थे। विजयपुर थाना क्षेत्र के हंकारपुर गांव में पिछले 21/5/2023 को दिलीप यादव अपहरण का मामला प्रकाश में आया था। दिलीप के निजी मोबाइल से पैसा फिरौती के रूप में मांगा जा रहा था। मैसेज देकर उसके माता पिता के मोबाइल पर पुत्र मोह में अंधी बन बैठी दिलीप के मां द्वारा विजयपुर थाने में निजी पटीदारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। अपहरण का मामला जब सामने आया तो स्थानीय पत्रकार सुरेश चंद्र पांडे एवं शंकर के द्वारा पीड़ित परिवार एवं आरोपी परिवार से अलग अलग मुलाकात किया गया था और तभी दोनों पक्षों की बातों को देखते हुए एवं दिलीप की कार्यगुजारी को एवं अनेक संगीन पहलुओं को देखते हुए अनुमान लगाया गया कि ये घटना स्वयं दिलीप का रचा हुआ षड्यंत्र है। लेकिन परिजनों को दुलारा अपने परिजनों को ठगने के लिए उतावला था और तरह तरह का हथकंडा अपनाता रहा। उधर विजयपुर पुलिस भी मामले को गंभीरता से देखते हुए सभी मोबाइल फोन का कॉल रिकॉर्ड खंगालने लगी। विजयपुर पुलिस ने मानवीय चेहरा दिखाते हुए सभी आरोपियों से सरलता पूर्वक पेश आई ताकि कोई भी बेगुनाह न फंसे। दिलीप का जमीन बिक्री एवं पैसा का लेन देन शुरू से ही विवादों में रहा। कभी ननिहाल का जमीन बेचता था तो कभी अपनी दादी से बहला फुसला कर जमीन बेचवाता था और जुआ एवं नशाखोरी में पैसा बर्बाद करता था और अपने परिवार वालों की आंखों में धूल झोंकता रहा। कुछ भी हो, विजयपुर थाना अध्यक्ष नागेंद्र सहनी ने सतर्कता दिखाते हुए दिलीप को सकुशल बरामद कर घटना का पर्दाफाश करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्राय महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सासामुसा मंडल के तिवारी मटिनिया, रामपुर माधो, बखरी, बंगालखांड, सासामुसा, मतिया, खजरी सहित विभिन्न गाँवों में दी गई। मंडल अध्यक्ष चंदन तिवारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सच्चे राष्ट्रभक्त एवं राष्ट्रनेता थे। भारतीय हिंदू संस्कृति में उनकी अटूट आस्था थी। भारतीय की रक्षा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नारा था कि एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा देखा गया था। उन्हीं के सपनों को साकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू से कश्मीर की धारा 370 और 35A हटाया। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रही है, उनके सपनों को साकार करने में लगी हुई है। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष चंदन तिवारी, हरदेव राम, विभा देवी, उमाशंकर सिंह, मुरली सिंह, अभिषेक सिंह, आर्यन सिंह, शिव नारायण राम सहित कई शामिल रहे। पान की दुकान में गांजा बेच रहे गांजा कारोबारी को माझागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विशाल आनंद ने बताया कि माजागढ़ थाना क्षेत्र छवई गांव के मुमताज आलम भड़कुइया मोड़ पर पान की गुमटी चला रहा था तथा पान की दुकान के आड़ में गांजा बेचता था, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर पान दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 150 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर FIR दर्ज कर शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।